नमस्कार, मैं जो आज केस आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये एक होम्योपैथिक डॉक्टर का केस है। ये अबाउट 40 साल की महिला है और प्रैक्टिस करती है। तो जब ये लॉकडाउन का पीरियड अभी आया था कोरोना वायरस के चक्कर में, तो उसने मुझको फ़ोन किया बहुत ही परेशानी वाली हालत में। नॉर्मली मेरे क्लिनिक का टाइम इवनिंग का है, जो फ़ोन पे मैं पेशेंट देखता हूँ, परंतु इसने सुबह 9:45 बजे ही फ़ोन कर दिया। ये बात इसको मालूम है कि मैं लोगों को अर्ली मॉर्निंग फ़ोन पे पेशेंट नहीं देखता हूँ, सभी को इवनिंग में ही कहता हूँ कि इवनिंग में आप फ़ोन करें। फिक्स टाइम है, जैसे क्लिनिक का टाइम होता है, इसी तरह फ़ोन पर कंसल्टेशन लेने वालों का भी एक फिक्स टाइम है शाम का। क्योंकि मेरी पुरानी पेशेंट है, तो इसलिए मैंने इसको, और लॉकडाउन में मैं भी खाली था, पेशेंट नहीं थे, तो मैंने इसको अलाउ किया केस देने के लिए। तो ये इसने बताना शुरू किया, क्या बताया वो डायरेक्टली मैं आपको पेशेंट की आवाज़ में सुनवाता हूँ। अभी जो आवाज़ सुनेंगे वो पेशेंट की आवाज़ होगी। जो आप आने ही वाले थे, यानी कि आते ही है 26 या 28 दिन में, इसी महीने 1 तारीख को आए थे तो आ गए वो 26 को अभी। हाँ। उसकी कोई बात नहीं, लेकिन क्या हुआ इस बार, मुझे हमेशा 2 दिन पहले अच्छा खासा ब्लीडिंग होता है और फिर अच्छा लगने लगता है। पहले दिन दो घंटे या 2.5 घंटे कुछ दर्द रहता है थोड़ा सा कमर में, और फिर बाद में मैं एकदम नॉर्मल हो जाती हूँ। लेकिन अब क्या हुआ है, जैसे मैंने 26 से आया है ना पीरियड, तो पहले 2 दिन उतना ब्लीडिंग भी नहीं हुआ जैसे पहले होता था, और इतना ऐसा भारीपन आ गया है ना पैरों में। हाँ। और इतना मैं ऐसा कमजोर महसूस कर रही हूँ, कुछ काम भी नहीं कर रहा, यानी कि कुछ इंटरेस्ट ही नहीं रहा, जैसे ऐसे बार बार सोने को मन कर रहा है, ऐसे कुछ भी काम हो तो पैसे वैसे निपटा देती हूँ। हाँ। और बाद में फिर से आप करके बेड पे सो जाती हूँ, ऐसा बार बार सोने को मन कर रहा है। कि पति भी चिल्लाने लगेंगे कि तुमको 3 दिन से कह रहा हूँ इससे करो इससे करो, तुमसे हो नहीं रहा एक भी। और क्या फिर मैं उनसे कुछ कह भी नहीं, क्या रहा है, पेट में दर्द है तो गोली खा लो, कह रहे थे गोली भी खा ली, थोड़ा सा अच्छा लगा, बहुत अच्छी हो चुकी हूँ। तो ये रोना रहना क्यों आ रहा है, किसी को बता नहीं सकती मुझे क्या हो रहा है, और बुखार भी नहीं है, पेट में भी दर्द नहीं कर रहा है, बताऊँ तो क्या बताऊँ, सोचेंगे कि क्यों क्यों रही, बार बार ऐसे क्यों कर रही, मुलट का कि क्यों बैठी रहती है, 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है। चलो, आपको ये लग रहा है कि मेरी कोई प्रॉब्लम को समझेगा नहीं, तो अभी 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 तुम्हारे पास दवाइयाँ घर पे होती है? घर पे नहीं, क्लिनिक पे, लेकिन मैं क्लासेस के लिए आज से क्लास ही नहीं ले रही। अच्छा, तो मतलब अभी तुम बीमारी की वजह से घर बैठी हो या लॉकडाउन की वजह से घर बैठी हो? फिर और क्या, इस्ट्रामोनियम तुमने खाया था ना पहले? अच्छा, 2 दिन पहले लिया है? मतलब मेंसेस 25 तारीख को आई है? नहीं, 26 को, 2 दिन हुए ना? अच्छा, मतलब तुम्हें रोना इसलिए आ रहा? अच्छा, अभी इग्निशिया खाना और शाम को बता देना मुझको, नहीं तो 2 घंटे बाद भी बता सकती हूँ। अच्छा, है मेरे पास तो खा लो पहले। मैं क्या
हाँ ले लो। इससे बात कर कर जो भी मुझको फीलिंग लगी, जिस ढंग से इसकी टोन है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सुनने के लिए, क्योंकि शक्ल नहीं देख सकते, बॉडी लैंग्वेज नहीं दे सकते, लेकिन जो उसकी टोन होती है, शब्दों का उतार चढ़ाव, वो बहुत ज़रूरी होता है पेशेंट की फीलिंग को समझने के लिए। तो वो जो फीलिंग मुझे समझ आई, क्योंकि रूब्रिक तो बनाना संभव होता नहीं है, और ना ही नॉर्मली मैं प्रैक्टिस में रूब्रिक बनाता हूँ, पेशेंट की या तो आवाज़ होती है मेरे सामने, या पेशेंट जब खुद होता है तो उससे जो भी मेरी ऑब्जर्वेशन होती है, जो भी उसकी पर्सनैलिटी किसी मेडिसिन से मैच करती है, तो मैं वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता हूँ। तो इसकी जो टोटल फील आई मुझको कि ये क्या कहना चाहती है, इसका व्यक्तित्व कैसा है आज की डेट में, हमेशा से नहीं, हमेशा जब आदमी हेल्दी होता है तो उसका व्यक्तित्व अलग होता है, और जब वो बीमार होने लगता है तो वो इसकी एक मॉर्बिड स्टेट होती है, वो बिल्कुल अलग होती है। जो उससे बदलाव हुआ है हेल्दी से मॉर्बिड स्टेट में, हमारा प्रिस्क्रिप्शन उस पर बनता है। तो वो मेंटल स्टेट होती है, ना कि रोगी का स्वभाव होता, इंसान का स्वभाव नहीं होता वो। इस वक्त वो इंसान जो रोगी बन गया है उसका स्वभाव होता है वर्तमान में, उसके ऊपर हमको प्रिस्क्राइब करना होता है। तो ये जो मुझे समझ आया, इसके बेस पे मैंने इसको इग्नेशिया की डोज, अब इसने कौन सी पोटेंशियल ली, कौन सी इसके पास थी मुझे नहीं पता, मैंने तो इसको इतना ही कहा था कि आप इग्नेशिया खा लो, तो अब पोटेंशियल के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। उसने एक ड्रॉप वो दवाई खाई थी और उसके बाद जो फॉलोअप दिया वो मैं आपको बता। तो मेडिसिन खाने के बाद शाम को इसने लगभग 5 बजे के करीब फिर फ़ोन किया, सुबह 11 बजे दवाई खाई और शाम को 5 बजे के आसपास इसने फिर फ़ोन करके मुझको बताया कि उसके ऊपर दवाई का क्या असर रहा। इस वक्त मैं आपको वो पेशेंट की आवाज़ सुना रहा हूँ, यानी फॉलो अप। मैंने फ़ोन किया था। हाँ, तो लिया मैंने 10:45 बजे। हाँ। और बाद में फिर मैं 11 बजे सो गई। हाँ। और फिर 11 से 12 तक सोई रही 1 घंटा, और उसके बाद जब मैं उठी तो थोड़ा अच्छा लग रहा था, यानी कि हाँ। लग रहा था मैं सोई थी, फ्रेश फील कर रही थी। हाँ। बाद में फिर खाना खा के फिर सो गई मैं 2 बजे। हाँ। और फिर 4 बजे तो उठने के बाद मैंने काम भी किया अच्छे से, शाम का खाना वगैरह बनाया और अच्छा लग रहा है अभी, सुबह से तो बहुत ही बेहतर लग रहा है। बहुत बेहतर लग रहा है ना, वेरी गुड। हाँ, यानी कि डलनेस जो था ना, ऐसा जो मन पे बोझा था, जैसे कुछ काम कोई बताता था तब भी मुझे टेंशन आता था कि मैं खुद का कुछ नहीं कर पा रहा, अभी इन्होंने ये बताया कब करूंगी ये सब। हाँ, ऐसा हाँ। लगता था, अब कुछ वैसा नहीं लग रहा, वैसा हल्का हल्का हो गया, जैसे मन एकदम हल्का हो गया जैसे। चलो ये तो अच्छा है, मतलब अभी तो दवाई फिर जरूरत नहीं ना आपको। हाँ, अभी नहीं, अभी नहीं, कुछ नहीं लग रहा अभी। भारीपन भी जो पैरों में था ना, वो 50% कम आ गया है। हाँ। और बचा कुचा है वो, मैं तो वैसे भी मैं पैर को ऊपर रखती हूँ, वो तो होता है मुझे हमेशा, गर्मियों के दिनों में पैर से बहुत दर्द करते हैं तो मैं ऊपर हाँ। रखती सो जाती हूँ हर बार। अच्छा। गर्मियों में होता ही है, लेकिन सुबह जैसी हालत थी ना, उससे कई ज्यादा अच्छा लग रहा है अभी, फ्रेश लग रहा है। चलो ठीक है। तो अच्छा, दूसरा हाँ। अभी आपका जो आज का कन्वर्सेशन है, दो टेलीफोन पे जो हुए है ना मेरे, तो मैं हाँ, इसको हाँ। आपकी आवाज को यूज कर सकता हूँ, ऐसे में उसको वीडियो बनाने में पॉइंट होगा इसमें, जैसे ये थोड़ा अच्छा केस है ना, तो लोगों को फायदा। हाँ, 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 नहीं अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है अभी मुझे, मैं इसको हल्कापन आ गया है, थोड़ा फ्रेश महसूस कर रही हूँ, एक्टिव भी हो गई हूँ सुबह से ज्यादा। 3 दिन मैंने कैसे बिताया मुझे ही पता है। अब आपको देखो होम्योपैथी कितना फास्ट काम करती है, किसी को ना दिखने वाला बोझा जैसे मैं लेके फिर रही थी और किसी को नहीं दिख रहा था। होम्योपैथी कितना फास्ट काम करती है ना अभी। हाँ, वो तो मैंने 10:45 बजे से ही मुँह में दवा डाली ना। हाँ। 5 मिनट बाद ही मुझे अच्छा लगा था, एकदम झटके से ऐसा कुछ लगा था जैसे करंट लग गया हो मेरी कोई। हाँ, ऐसी होता है। 5 मिनट बाद अच्छा लगा था, 5 मिनट बाद ही अच्छा लगा था, फिर भी मैं वो पैरों में जो भारीपन था ना, उसके लिए मैंने सोचा नहीं सो ही लेते हैं हम, इसलिए मैं सो गई।
जानबूझ के, लेकिन मुझे 5 मिनट बाद ही अच्छा लगा था सच में तो। हाँ तो चलो, लेकिन मैंने सोचा कि शायद मैं सोई थी तो उठी हूँ तो अच्छा लगेगा ही, काम करने के बाद देखेंगे काम कर पाती हूँ कि नहीं, काम करने के बाद थकान रहती है कि नहीं। हाँ। तो अभी तो काम भी कर लिया सब कुछ, कुछ नहीं है वैसा, थकान नहीं है कुछ नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, थोड़ा सा स्लोनेस है वो हो जाएगा, वो भी हो जाएगा कवर अभी। हाँ हाँ, 80% तो हो गया है। हाँ 80% तो बहुत होता है 2-3-4 घंटे में। हाँ वही तो अभी इसी पे वेटिंग वॉच करेंगे ना। हाँ हाँ यही चलेंगे, पुरानी बीमारी भी आगे इसी से निकल आएगी। अच्छा अच्छा। हाँ ऐसे नहीं होता कि एक्यूट फेज की दवाई होती है, ऐसा नहीं होता है, दवाई एक सीक्वेंस में चलती है। मतलब जैसे अभी आपने, मतलब एक पेशेंट है जैसे आप हो मान लो, अब आपका मान लो पुरानी जो भी दवाइयाँ चल रही थी, मतलब जितनी बार भी आपने दवाई ली है, तो वो एक पेशेंट की स्टेट होती है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। स्टेट का मतलब है जैसे आज आपकी ये स्टेट है, तो आज आपको मेडिसिन की जरूरत है, ठीक है। तो आपकी जो डिसऑर्डर है वाइटल फोर्स में, वो इस मेडिसिन ने रिस्टोर कर लिया, ठीक है। तो आगे अब आप हेल्थ की तरफ बढ़ना शुरू हो गए हो। अच्छा, तो अब जब ये स्टेट चलती रहेगी जितने दिन में चलेगी अच्छी थोड़ी अच्छाई की तरफ, तो उसके बाद दोबारा फिर ऐसा लगेगा कि मैं नई स्टेट आएगी कोई। हाँ, वो 2 दिन में आएगी या 2 महीने में आएगी या 6 महीने में आएगी कुछ नहीं पता होता, ठीक है। वो जितना ज्यादा इनक्योरेबल केस होगा उतना जल्दी रिलैप्स आ जाएगा। होगा, हाँ, दूसरा जितना इम्पार्शियल हमारी जो होती है दवाई, पार्शियल से मिनिमम, उतना भी जल्दी रिलैप्स आएगा। अच्छा, ये 2 पॉइंट होते हैं देखने वाले, इसमें डिसाइड करना होता है हमारा सिमिलिमम गड़बड़ था या डिजीज इनक्योरेबल है, मतलब उसकी जो वाइटलिटी है वो बहुत ही लो है। 2 बातें होती है। अब इसमें क्या है, जैसे आपका केस है, जैसे 5 मिनट में एकदम जैसे दवाई के बाद एकदम झटका करंट सा लग के आप उठ गई, ताकत आ गई, तो इसका मतलब ये है कि केस इनक्योरेबल नहीं है, हमारा सिमिलिमम ठीक है, दवाई ठीक है हमारी, इसका ये मतलब है। तो जब दूसरी स्टेट आएगी, जैसे जर्नी है ना, अब आगे हम हेल्थ की तरफ बढ़ना शुरू हो गए, तो जब दोबारा स्टेट आएगी कोई भी जहां आपको बियर नहीं हो रहा होगा, परेशान हो रहे होगे, तो वो उस नई स्टेट में फिर हम कुछ दवाई देंगे जो भी उस वक्त इंडिकेटेड होगी। अच्छा, यानी कि यही नहीं रिपीट करना, नहीं ये मतलब हो सकता है यही सिम्टम आए तो फिर हम यही करेंगे, नहीं आएंगे मतलब जरूरी नहीं है कि यही आए, आप ये भी आ सकती है, तो उस समय हम ये पोटेंसी, सेम पोटेंसी दे सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, ये तो डिपेंड करता है उस वक्त की स्टेट पे, या कोई नई स्टेट आएगी दवाई की तो फिर हम कोई नई मेडिसिन देंगे दवाई के लिए उसको, तो वो स्टेट फिर आगे चलेगी, आगे निकलना शुरू हो जाएगी। तो ऐसे एक फिर एक और स्टेट आएगी, ऐसे एक के बाद एक स्टेट आती है, तो हर स्टेट आपकी जो होती है ना पहले से आपको ज्यादा हेल्दी स्टेट में ले आती है। ये होमोपैथी दवाई के काम करने का तरीका होता है। अच्छा, तो उसमें सब कुछ कवर आ जाता है, माइजम मोडेलिटीज वोडेलिटी जो भी कुछ आपके फैमिली हिस्ट्री, आपकी जेनेटिक हिस्ट्री, मैथमेटिक हिस्ट्री, सब कुछ इस जो आज दिया गया है ना, जितने भी प्रिस्क्रिप्शन हम देते हैं वो सब इसमें शामिल होते हैं। अच्छा, मतलब ये नहीं है कि आपकी आज की इलाज किया, आज का नहीं किया, ये मैंने आपकी एक पेशेंट को दवाई दी है, इंसान का इलाज किया, ठीक है। अच्छा, तो ये तरीका होता है होम्योपैथी का, ऐसा है तो हमको कोई पढ़ाता नहीं है। असलियत ये है, इसलिए वो कहते हैं भाई दिन में 3 बार खाओ और 5 बार खाओ, वो करो माइजमेटिक ले लो और फलाना ले लो, वो सब एक उस ढंग से पढ़ाते हैं, तो हम लोग होम्योपैथिक डॉक्टर बेचारे कंफ्यूज हुए रहते हैं, वो चीजें मिलती हानि क्लिनिक में, तो बेचारे उनका कॉन्फिडेंस लूज होता रहता है, क्योंकि वो उनको लगता है कि हमारे अंदर कमी है। वही तो हुआ था मेरा भी, मुझे लग रहा था बहुत डिफिकल्ट है होम्योपैथी, जनरल प्रैक्टिस ही कर लेते। नहीं नहीं, कितना आसान है, तो होम्योपैथी आसान होती है, ऐसा कुछ नहीं है, बस समझ की बात है, लेकिन नॉलेज का बहुत बड़ा सागर है उसे तैर करने के बाद। नहीं नहीं, वो सिंपलीफाइड हो जाती है, अगर ढंग से पढ़ाया जाएगा, पढ़ाने वाले को अगर समझ आ जाएगी होम्योपैथी, तो फिर वो ढंग से आगे पढ़ा पाएगा।
अभी आपने बताया तो एक किसी को फॉलो कर रही हूँ, मैं सारे वीडियोस देख रही हूँ क्या कैसे कैसे पेशेंट को गेज करना है। तो ये फॉलो अप ये मैनेजमेंट हो गया ना ये किस्म का। हाँ अच्छा, तो समझ ऐसे कोई ऐसे मतलब ये बड़ा सिंपल है, एक के बाद एक दवाई देते चले जाओ जो भी आती जा रही है उसमें, इसलिए कोई एंटीडोट नहीं होता, कोई फॉलो वेल नहीं होता, कोई इनिमिकल नहीं होता, कुछ नहीं होता। ये रिलेशनशिप रेमेडी बिल्कुल एब्सोल्यूट गंदी गलत चीज है। हाँ वही तो मुझे पड़ा है, कभी कल सब केस वो हजारों केस में से दो केस में हो गया वो अलग बात है। अच्छा, पर हाँ। अगर हम रूल बनाते हैं तो वो 100% होना चाहिए ना, 100% तो होता नहीं है। ठीक है, किसी ऑथर ने वही दवाई इनिमिकल में दे रखी है, वही दवाई फॉलो वेल में दे रखी है, वही दवाई सप्लीमेंट्री कम्प्लीमेंट्री पता नहीं क्या क्या दे रखी है, तो इसको तो आप कभी भी याद कर ही नहीं सकते क्योंकि ये कोई रूल है नहीं। तो सिंपल एक ही रूल है, जो पेशेंट के सिम्टम इस वक्त आए हुए हैं उसको आप दवाई दो, दवाई से उसको बेल भी लगा जाएगी तो उसको फिर आगे हीलिंग प्रोसेस ऑन हो जाएगी उसकी। जब दूसरी स्टेट पे आके रुक जाए उसके बाद फिर दूसरी दवाई या वही जो भी दवाई का स्टेट आ रही है वो सिलेक्ट कर लो, वो दे दो, फिर आगे गाड़ी चल पड़ेगी, फिर कहीं रुकेगी गाड़ी तो फिर वो जो भी स्टेट आएगी फिर उस पर दवाई दे दो, फिर आगे चल पड़ेगी। इतना सिंपल है होम्योपैथी। हाँ बहुत ही अच्छा है। तो ऐसे धीरे 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 आप हेल्थ की तरफ बढ़ने लगते हैं। हाँ, ठीक है, अभी बहुत हल्कापन आ गया है, फ्रेश लग रहा है। हाँ अच्छा, ऐसा सुकून आ गया अभी। चलो बहुत मेंटली काम हो गई हूँ मैं। हाँ काम हो गया ना, तो ठीक बात है। मैं अभी जल्दी बनाऊंगा इस वीडियो को आपके लिए। हाँ हाँ चलेगा, कोई बात नहीं। चलो ओके सर, थैंक यू सर जी, थैंक यू सो मच। ओके वेलकम। तो जो रूब्रिक लिए वो मैं आप पढ़ के सुनाता हूँ। एलिमेंट्स फ्रॉम इंडिग्नेशन, कावर्डिस ओपिनियन विदाउट करेज टू एक्सप्रेस ओन ओपिनियन, डिसकंसर्टेड वीपिंग एडमोनिशन फ्रॉम। तो इनके बेस पे मैंने इसको इग्निशिया दी थी और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया। अब हम इन रूब्रिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला रूब्रिक हमने लिया है एलिमेंट्स फ्रॉम इंडिग्नेशन। ये इसका मतलब है कि जब आदमी इनडिग्निफाइड होता है, यानी उसकी जो एक गरिमा है, जो समाज में इज्जत है, मान है, समाज के हिसाब से क्या उसकी अपनी एक जो स्टेटस है लाइफ का, जैसे वाइफ है तो वाइफ की एक डिग्निटी होती है कि सबके सामने उसको झाड़ नहीं सकते आप, उसको जो भी ऐसे जैसे मेड को ट्रीट करते हैं आप उसको ऐसे नहीं ट्रीट कर सकते, या जिसके अपने सर्वेंट को ट्रीट करते हैं इस तरह वाइफ को ट्रीट नहीं कर सकते, या जैसे अपने एम्प्लॉय को ट्रीट करते हैं ऐसे नहीं कर सकते हैं, या जैसे किसी सड़क पर चलती किसी महिला को करते हैं ऐसे नहीं कर सकते, या जैसे आपको कोई सेल्स गर्ल है उसकी तरह ट्रीट नहीं कर सकते। तो वाइफ की अपनी एक डिग्निटी होती है, यानी उसको एक सम्मान होता है घर में, उसका एक पद होता है, एक स्टेटस होता है, एक स्थान होता है। तो आप उसको उसी के ढंग से ट्रीट करेंगे, या और ये पत्नी भी समझती है कि मेरा घर में ये स्थान होना चाहिए, तो वो उसकी निगाह में अपनी एक वैल्यू है, वर्थ है उसकी, एक जिसके हिसाब से उसको सम्मान मिलना चाहिए। परंतु अब यहाँ क्या कर रहा है, एक पत्नी बीमार है और पति क्या बोल रहा है, तू क्या ये मुंह लटकाए बैठी रहती है। अब उसको ये तू तड़ाक से बात करना वैसे ही एक अमर्यादित आचरण है। ये तू गोली क्यों नहीं खाती है, तेरे को 3 दिन से मैं कह रहा हूँ कपड़े क्यों नहीं तूने प्रेस करे, तो तू कर भाई, तू क्यों नहीं कर रहा, तुम भी तो इंसान हो। अगर तुम वो घर में खाना बना रही है, घर की सफाई कर रही है, सारा काम घर का कर रही है, तो वो तुम्हारी नौकरानी नहीं है, तो ये बदतमीजी पति की है। और इस किस्म का जो बीमार है उसको सहानुभूति की ज़रूरत होती है, उसको आपकी मदद की ज़रूरत होती है, फिजिकली भी, मेडिसिनली भी और इमोशनली भी, तो वो उसका अधिकार होता है पेशेंट का। अब ये ना तो पत्नी का अधिकार उसको मिल रहा, ना पेशेंट का मिल रहा, और उल्टा उसको डांट पड़ रही है।
तो उसको लगता है कि यार ये मेरी पोजीशन है घर में, मैं वाइफ हूँ, पेशेंट हूँ और ये पति मुझे इससे बोल रहा है, तो ये उसको बहुत ही ज़्यादा अंदर ही अंदर तोड़ता है। ये तोड़ना जो है ये एलिमेंट है उसकी, तो उसकी वजह से ऐसा नहीं है कि पति की डांट की वजह से उसको ब्लीडिंग व्लीडिंग नहीं हुई है या कमजोरी आ गई है, पर इस किस्म का जो पति का बिहेवियर है इसने उसको तोड़ दिया है, क्योंकि उसने अपने आप को एक बहुत ऊंचे सम्मान के स्तर से बहुत नीचे पाया है अपने आप को कि मेरी ये हैसियत है, एक पति मेरे से ऐसे बोल रहा है, इस वक्त तो उसको मेरी मदद करनी चाहिए और वो कह रहा है तो बीमार है, तो अब वो और पोजीशन क्या है, क्योंकि वो दिखा नहीं पा सकती कि मेरे को अंदर क्या महसूस हो रहा है, तो पर पति को तो इतनी अकल होनी चाहिए कि जो उससे पूछे तो सही, भाई तेरे को क्या दिक्कत है, तू क्यों नहीं उठ पा रही है, तो ये तो होना चाहिए। तो ये इंडिग्नेशन इसलिए हमने लिया है। दूसरा रूब्रिक है इसके अंदर कावर्डिस ओपिनियन विदाउट करेज टू एक्सप्रेस ओन ओपिनियन। तो कावर्डिस वो इंसान होता है जो खतरे का या एडवर्स सिचुएशंस का खुलकर मुकाबला नहीं कर सकता, उसमें वो शक्ति नहीं होती है मेंटली कि मैं ये फाइट करूं इसको, इसका विरोध करूं और अपने आप को अपनी बात सिद्ध करूं या मैं जीत जाऊं इससे, जीत भी नहीं भी जाऊं तो कोई मेरे पे हावी ना हो, यानी एक मुकाबला जो करने की पावर होती है वो उसमें नहीं होती, तो डेंजर को वो फेस नहीं कर सकता है, उससे छुपक जाता है, पीछे हट जाता है। तो जब इसने इंडिग्निफाइड फील किया अपने आप को, तो तरीका ये होता है कि आप उसका विरोध करें, उसको जब वो कह रहा है कि क्यों मुंह लटकाए बैठी है, गोली क्यों नहीं खाती है, इस्त्री क्यों नहीं किया, तो उसको बताना चाहिए कि ये मेरा काम नहीं है, तुम्हारे कपड़े ख़राब हैं तो तुम प्रेस करो, धो तो दिए उसने। अच्छा, दूसरा उसको अपनी तकलीफ बतानी चाहिए कि भाई मैं बीमार हूँ, बिना मतलब मुंह लटकाए नहीं बैठी हूँ मैं, तो ये तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए, उसको अपनी बात को उसके सामने बोल्डली रखना चाहिए, पर इसमें वो हिम्मत नहीं है। तो ये हिम्मत कहाँ से आती है, एक तो ये अंदर से शुरू में कमज़ोर होती है क्योंकि मॉरल की वजह से, तो ये मॉरल जो होते हैं इंसान को एक बेड़ियों में एक बंधन की तरह पड़ जाते हैं वो उसको, कि मैं ऐसे कर लूँ ऐसे नहीं करूँ, तो वो उसको कमज़ोर बना देते हैं। तो इग्निशिया तो शुरू से बहुत सेंसिटिव होती है क्योंकि मॉरल उसका बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो इसलिए ये एक पति होने के नाते उसका सम्मान कर रही है और उसको उससे एक किस्म से डरी भी हुई है, क्योंकि जिस किस्म की ये भाषा, तू भू लटका के क्यों बैठी है, गोली खा ले जाके, तीन दिन से कह रहा हूँ, तो ये जो डांट के बोल रहा है, तो इस डांटने का पति को कोई भी हक होता नहीं है, किसी भी पति को किसी भी गलती पे पत्नी को डांटने का हक नहीं होता है, ये पति की बदतमीजी होती है सीधी साधी। तो इस बदतमीजी का 100% पत्नियों को विरोध करना चाहिए, और मैं तो समझता हूँ कि ये शुरुआत हमें लड़की की बचपन से ही ट्रेनिंग देते रहना चाहिए कि आप इस किस्म की बदतमीजियाँ किसी भी लेवल पे समाज में कहीं पर भी नहीं बर्दाश्त करो, तभी आपको आपका सम्मान मिलेगा। तो ये माओ की जिम्मेवारी है कि बचपन से उसको ट्रेनिंग दी जाए, तो लड़कों को तो दी जाती है ना कि आप तो बड़े हो, आपको पहले शुरू से ही उसको तो समाज में एक इज्जत देना शुरू कर दिया जाता है, उसके जन्म से पहले ही लड्डू बांटना शुरू कर देते हैं जैसे तो कोई बादशाह पैदा हो रहा है वो, तो ये एक उसका ही नतीजा है कि लड़की इसको बर्दाश्त करे चली जा रही है और इतना कमज़ोर हो गई है। तो इसलिए इसका रूब्रिक था ये कावर्डिस। अब इन दो बातों से वो बिल्कुल जैसे टूट गई है कि ना तो हिम्मत है उसमें बोलने की और इंडिग्निफाइड हो रही है, वो फाइट कर नहीं पा रही है, तो एक तरफ बीमारी एक तरफ पति, तो उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, उसको क्या हुआ, कैसे फाइट करूं, काम हो नहीं रहा, तो जितने फ्रंट पे उसको फाइट करनी पड़ रही है, तो अब वो अपने आप को उसके मुकाबले में एकदम पस्त पा रही है, जैसे कुछ किसी भी चीज़ का वो मुकाबला नहीं कर पा रही है किसको, तो एक किस्म से उसने हथियार डाल दिए। तो हथियार कब डालता है, जब आदमी स्वयं को बहुत कमज़ोर महसूस करता है, तो वो फिजिक मेंटल कमज़ोरी थी जो इसको फिजिकल रूप में भी महसूस हो रही थी
कि ये उठती है काम करने के लिए, थक जाती है, फिर जाके सो जाती है, फिर उठती है, फिर करती है, यानी ये काम करना चाहती है, इसको है कि मुझे घर का काम करना चाहिए, पर ताकत नहीं है क्योंकि कहीं से भी सपोर्ट नहीं है इसका पति का, और डिग्निटी ने इसको तोड़ दिया है। तो अब किसी भी फ्रंट पे जो ये फाइट नहीं कर पा रही है, ये डिसकंसर्टेड है। तो इसलिए जो हताश होता है, तो आपने देखा होगा जब आप थक के चूर हो जाते हो और आपको फाइट भी नहीं होता, यानी जैसे आपके सामने कोई बोल रहा है, आप आर्गू कर रहे हो, जैसे मान लो आप किसी को समझाना चाह रहे हो, या आपका बेटा है या आपकी बेटी है, कि उसको कुछ समझाना चाह रहे हो और आपको लग रहा है कि बहुत ही गलत बात है, और वो ऐसा बिहेवियर्स करता है कि आपकी ना इज्जत हो रही है ना, आप पूरी जान लगा देते हो उसको समझाने में, और आखिर में तो बिल्कुल एकदम जैसे कुर्सी पे धम से गिर जाते हो, जैसे आप ऐसे हताश हो जाते हो, जैसे अब मैं क्या करूँ, इसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कैसे समझाऊँ इसको मैं, अरे ये क्या क्या हो गया, मैं क्या करूं। ये जो स्टेट है, उसको फाइट ना करने के लिए आपका दिल, दिमाग, सारी फैकल्टी जैसे तैयार ही नहीं है कि अब उसको आगे फाइट को जारी रखने की, क्योंकि आपकी जो इंटेलिजेंस है, ब्रेन है, वो सब डैम, सब एक किस्म से उसने हॉल्ट में आ गया, सस्पेंशन में आ गया है। तो ये डिसकंसर्टेड स्टेट होती है, इसलिए फाइट करता है ये, इसलिए चुप हो जाता है फिर ये। अब जब आदमी इतना मेंटली यानी इमोशनली टूट गया, तो टूटा हुआ आदमी जब इमोशनल होता है तो उसके पास रोने के अलावा कोई रास्ता होता नहीं है, तो रैशनलिटी रही नहीं, अब वो पति को समझा नहीं रही, यानी आर्गुमेंट वो कर नहीं सकती। तो जब आर्गुमेंट की पावर इंसान से चली जाती है तो वो इमोशनल साइड में चलता है, तो इमोशनली कमज़ोर हो जाता है वो। तो रैशनल से इमोशनल हो जाना, और उसमें भी उस ढंग की इमोशन होना जहां आपके अंदर फाइट करने की बिल्कुल ही ताकत ना बचे, तो वो वीपिंग स्टेट है। तो इसलिए अब ये बात करते करते रो गई, क्योंकि इसको समझ नहीं आ रहा क्या करूं, क्योंकि पति तो इसको डांट रहा है, डांट इसलिए रहा है क्योंकि उसको लगता है कि ये तो बिना मतलब ऐसे क्या है लेटने की, इसको काम करे, उठ के करे, गोली खा के करे, फलाना करे। तो जैसे तो वो खुद कर नहीं पा रही है, मतलब खुद जानबूझ के मक्कारी कर रही है, ये बात पति को ऐसे लग रहा है कि ये करना नहीं चाह रही है, जबकि वो जेन्युइनली करना चाह रही है, कोशिश भी कर रही है, पर उसके अंदर वो पावर नहीं है, वो ताकत नहीं बची हुई है, क्योंकि उधर पति का सपोर्ट नहीं है। तो अब देखा जाए तो ये जो चार रूब्रिक हमने लिए हैं, ये चारों रूब्रिक अलग अलग हैं रिपर्टरी में, तो पर अगर इनका कॉमन इम्पैक्ट देखा जाए तो सब मिला जुलाई तो है। तो इसलिए जब हम प्रिस्क्रिप्शन देते हैं या दवाई को पढ़ते हैं किसी रिपर्टरी से, मैट्रिया मेडिका से, हज़ारों रूब्रिक उसमें होते हैं, तो उन रूब्रिक का टोटल एक दूसरे से क्या कनेक्शन है, एक रूब्रिक का कुछ इफेक्ट हुआ तो वो दूसरे रूब्रिक के रूप में मेंशन किया गया है। तो जब इनका एक सारे हज़ार दो हज़ार जो भी रूब्रिक है मेंटल के, उनका एक जो ऑर्केस्ट्रा बनेगा और जो उसकी ट्यून निकल के आएगी, तो उसमें उस ट्यून में जो आप ये नहीं कह सकते ये गिटार है, ये तबला है, ये ढोलक है, ये ताली है, तो उन सब का जो टोटल एक इम्पैक्ट आता है दिमाग में, तो आप यही कहते हो भाई म्यूजिक बड़ा अच्छा है, धुन बड़ा अच्छा है, उसको आप एंजॉय कर रहे होते हो। तो यानी उन 50 इंस्ट्रूमेंट का, म्यूजिशियन का, वोकलिस्ट का एक टोटल इम्पैक्ट जो आता है, वो उस गाने का, संगीत का मज़ा आपको देता है, वो इम्पैक्ट क्रिएट करता है आपके ऊपर। तो इसी तरह जो हज़ार दो हज़ार रूब्रिक हैं एक मेडिसिन के, उनके जब हम सूक्ष्म रूप को समझ लेंगे तो उनका आपस में एक दूसरे से क्या तालमेल बन के एक क्या टोटल इम्पैक्ट आ रहा है, तो वो पेशेंट की, वो सॉरी रेमेडी की पर्सनैलिटी होती है। और जब ये पर्सनैलिटी आपको समझ आ जाएगी तो पेशेंट को देखते ही आप समझ जाओगे कि इस पेशेंट की पर्सनैलिटी आज इस डेट में उस पर्टिकुलर रेमेडी के साथ मैच कर रही है। फिर आपको रूब्रिक्स याद नहीं आएंगे कि मैं कौन से रूब्रिक लूँ, तो वो सही तरीका होता है प्रिस्क्रिप्शन देने का।
और ये जो तरीके हैं, मायज़म लेना, मोडालिटीज लेना, फलाना डिमका, रिलेशन ऑफ रेमेडीज लेना, फैमिली हिस्ट्री लेना, पास्ट हिस्ट्री लेना, आपस में क्या रिलेशन्स है फैमिलीज के, ये वो सब, ये टोटली मतलब ये अगर आपको दवाई की तरफ ले जाते हैं, समझने में मदद करते हैं तो ठीक है, वरना इनकी कोई आवश्यकता होती नहीं है। क्योंकि जो भी वर्तमान स्टेट है पेशेंट की, जिस स्टेट में वो आया है, वो सब कुछ पुरानी, उस सेकंड से जब पेशेंट आपसे बात कर रहा है, उस क्षण से पहले जितना भी गुजर चुका है उसका टोटल इम्पैक्ट होता है। तो इसलिए ये जो मैं केस जिस ढंग से लेता हूँ और जिस ढंग से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सही तरीका है। इससे इसमें पेशेंट को क्योर मिलता है, सब कुछ ठीक होता चला जाता है। तो अब आशा है इसको आप समझ गए हैं और इसे अच्छे से इस्तेमाल किए। धन्यवाद।